नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस कुरेजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के एक सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसको आप जीरो बैलेंस पर मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में बैंक में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है। सेविंग अकाउंट में भी इंडसइंड बैंक के पास में कई सारे ऑप्शंस और वेरिएंट जो है वो मौजूद है। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो ओपन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। या कुछ इनिशियल जो डिपॉजिट रख के एवरेज मंथली बैलेंस वाला जो अकाउंट है वो आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर एक और अकाउंट जो है आता है, डिलाइट अकाउंट। जी हाँ, डिलाइट अकाउंट जो है वो आप जीरो एवरेज मंथली बैलेंस पर मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रखने की जरूरत नहीं है मंथली बेसिस पर, लेकिन यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ जो है वो हिडन चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, जिनका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में कि भाई अकाउंट पर जो है वो आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि इंडसइंड बैंक अपने सभी कस्टमर्स को एक ऑप्शन देता है, जो है सबसे पहला उनका अपने पसंद का अकाउंट नंबर जो है वो चुनने का। उसमें कुछ सर्टेन डिजिट्स जो है वो आप अपने हिसाब से अपने पसंद के चुन सकते हैं। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई भी जो डेट है जिसको आप भूलना नहीं चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर, आपके मोबाइल नंबर जो है वो उसके लास्ट के डिजिट हो सकते हैं, या वो पूरा जो है वो अगर आपको मिल जाता है उसमें से कुछ डिजिट तो वो आप ले सकते हैं। ओवरऑल कि अपने पसंद का जो है वो यहाँ पर आप एक अकाउंट नंबर जो है वो ले सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जिसमें आपका जो है NEFT, RTGS, IMPS, ये सारा कुछ जो है वो आपको मिलता है जीरो बैलेंस अकाउंट में। जी हाँ, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है और उसमें आपको ये सारा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ साथ वीडियो चैट फैसिलिटी जो है वो आपको मिलती है कि भैया इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप जो है बात करना चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, तो वीडियो चैट के जरिए आप उनसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट फैसिलिटी मिलती है। जी हाँ, जिसमें मतलब आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप अपने बैंकिंग से जो है वो जुड़े रहेंगे थ्रू व्हाट्सअप, ईमेल या इंटरनेट के जरिए जो है ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जनरली कुछ अकाउंट जो होते हैं जो उसमें जो सर्विसेज होती हैं वो लिमिटेड कर दी जाती हैं कि भैया इससे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ओवरऑल सारे जो बेनिफिट है वो यूज़ कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर इसके साथ साथ आपको फ्री ई स्टेटमेंट के जो बेनिफिट है वो भी मिल रहा है, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट आता है मंथली बेसिस पर वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर रेगुलर बेसिस पर जो है मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपको नहीं देना है। तो बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि अगर आप सेविंग अकाउंट जो है वो ले रहे हैं तो उसमें डेबिट कार्ड कौन सा आपको मिलेगा, उस डेबिट कार्ड में बेनिफिट्स क्या होंगे, आप उनको कहाँ कहाँ जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस अकाउंट में आपको प्लेटिनम प्लस जो है डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि काफी बेनिफिशियल डेबिट कार्ड है। उसमें काफी सारे ऑफर्स, काफी सारे बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले ऑलमोस्ट 35 लाख तक का यहाँ पर आपको जो है इंश्योरेंस कवर मिल जाता है आपके डेबिट कार्ड के जरिए ही। इसी के साथ साथ आपको सुपर सेवर कैशबैक जो ऑफर है वो मिल जाता है, जिसमें आपको 5% तक का रेगुलर कैशबैक जो है वो चलता मिलता रहता है अगर आप amazon.in पर शॉपिंग परचेजिंग करते हैं थ्रू इंडसइंड बैंक डेबिट कार्ड। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज नहीं करते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये डेबिट कार्ड जो है वो होता है इंडसइंड बैंक का, तो उसके जरिए भी आप जो है 5% तक का कैशबैक ले सकते हैं amazon.in पर। इसी के साथ साथ आप जो है 3000 रुपीज तक की सेविंग कर सकते हैं बाय वन गेट वन मूवी टिकट के जरिए। जी हाँ, अगर आप एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप एक मूवी टिकट जो है बाय करते हैं bookmyshow.com पर अपने इस डेबिट कार्ड के जरिए, तो वहाँ पर एक मूवी टिकट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा इस डेबिट कार्ड में आप 6 गुना तक रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करते हैं उनको रिडीम कर सकते हैं, आप कैश में कैशबैक में जो है एडजस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी आपने खर्च किया उसमें कुछ ना कुछ जो है रेगुलर बेसिस पर आपको कैशबैक भी मिलता रहता है। इसके अलावा आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है सिलेक्टेड एंड बेस्ट रेस्टोरेंट्स में। वो आपकी सिटी में भी हो सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो बाहर भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी होते हैं जिनके मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं अलग अलग सिटीज में, तो ओवरऑल हर सिटी में एक ना एक रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 15% तक का जो है वो डाइनिंग डिस्काउंट आप ले सकते हैं अगर आप जाते हैं वहां पर पे करते हैं अपने डेबिट कार्ड के जरिए। और इसकी जो डिटेल है आप इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि भैया कौन कौन से जो हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट हैं वो रजिस्टर्ड हैं।
इसके अलावा कुछ एक बेस्ट ऑफ डील्स का जो बेनिफिट है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे वो शॉपिंग पर हो, ट्रैवल पर हो, डाइनिंग पर हो, या अदर जो रेगुलर डील्स यहाँ पर आती रहती हैं वो, उन डील्स का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं अपने इस डेबिट कार्ड के जरिए। तो बहुत ही बेहतरीन डेबिट कार्ड है अगर आप इसको जो है यूटिलाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पर। हम बात करते हैं कि भैया डेबिट कार्ड जो प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा कैसे। तो जब भी आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं इनिशियली आपको 10,000 रुपीज की जो है फंडिंग देनी होती है, 10,000 रुपये आप इनिशियल डिपॉजिट करते हैं, 500 प्लस टैक्सेस जो है चार्ज होता है डेबिट कार्ड का। तो वो अगर आप डिपॉजिट जो है वो कर देते हैं, वो पे कर देते हैं आप, तो डेबिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर जीरो बैलेंस का अकाउंट है, लेकिन मैं हमेशा एक बात जो है वो आपको कहता हूँ कि भैया अगर आपका पर्स जो है खाली है तो वो खाली रहेगा, उसमें आपको कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है आप उसमें रखते हैं, क्योंकि आपने आप 10,000 रुपीज जो है वो अपने अकाउंट में रखे हुए, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में 10,000 रुपीज रखें, उसको रेगुलर जो है वो आप चलाते रहते हैं, ट्रांजेक्शन भी उसमें होती रहती है और डिपॉजिट जो है उसमें आप करते हैं, डेबिट कार्ड भी आप यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं, वो आपको बेनिफिट देती हैं, बैंक की तरफ से जो रेगुलर ऑफर्स है वो भी आपको यहां पर मिलते रहते हैं। और फ्यूचर में अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप लोन लेना चाहते हैं तो जो ये अकाउंट है आपका एक रिलेशनशिप बेस्ड जो है वो तैयार कर देता है। दोस्तों डेबिट कार्ड जो है वो आपका कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है। एनुअल चार्जेस फर्स्ट ईयर के लिए 500 रुपीज, सेकंड ईयर से 799 प्लस टैक्सेस जो है वो रहते हैं। यहाँ अगर बात करें लिमिट की, भैया लिमिट जो है वो आपको क्या मिलेगी कि डेली कितना जो है वो आप स्पेंड कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1,25,000 की सीधी सीधी जो लिमिट है वो आपको मिलती है एटीएम्स पर, यानी कि आप जो है कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 2,00,000 रुपीज की जो लिमिट है वो आपको मिलती है POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर, जहां पर आप अपना जो कार्ड है वो स्वाइप करके उसके जरिए कुछ स्पेंड जो है वो आप करते हैं, तो वहां पर डेली बेसिस पर आप जो है इतना स्पेंड कर सकते हैं। 2,00,000 रुपए तक का जो है वहां पर आपको लिमिट मिलता है। और वहीं अगर आप कैश विड्रॉ करने जाते हैं किसी भी इंडसइंड बैंक के ATM से करेंगे या किसी ATM से करेंगे तो यहां पर आपको 1,25,000 यानी कि 1,25,000 तक का जो है वो लिमिट मिलता है। बहुत सारे जो डेबिट कार्ड है उसमें इतना लिमिट जो नहीं मिलता है, पे करने के बाद भी आपको जो है 40,000, 50,000, 75,000 की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कार्ड प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको 50,000 रुपीज का परचेज प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि अपने डेबिट कार्ड के जरिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रहे हैं तो उसका एक इंश्योरेंस कवर या जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है कि अगर वो खराब हो जाता है, खो जाता है, उसकी कंप्लेंट आपने कराई है तो वहां पर वो जो वैल्यू है वो आपको मिल जाती है, तो परचेज प्रोटेक्शन यहां पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा 3,00,000 रुपीज का जो है वो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी मिल रहा है कि भैया अगर आपका डेबिट कार्ड जो है वो खो गया है, किसी ने उसको यूटिलाइज कर लिया, इनकेस आपने यहां पर कंप्लेंट कर दी थी, तो वो जो वैल्यू है वो यहां पर आपको मिल जाती है, वो बच जाता है वो अमाउंट। तो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी में जो है वो आपको 3,00,000 रुपीज का यहां पर बेनिफिट मिल रहा है। 2,00,000 रुपीज का यहाँ पर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है। अदरवाइज अगर हम इन सब चीजों के लिए जो है वो प्रीमियम पे करते हैं तो वहीं पर जो है वो हमारे 1,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, बट यहाँ पर आपको 2,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। लॉस का लाइबिलिटी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। परचेज प्रोटेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 30,00,000 रुपए का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है फॉर एयर। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल पसंद करते हैं तो वहां पर भी एक सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो बनी रहती है, तो ऑलमोस्ट 35.5 लाख का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। और ये सब कुछ आपके इसी जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको मिल रहा है ऑन बेसिस ऑफ योर प्लैटिनम डेबिट कार्ड। तो अगर आप जो है बहुत लोअर वेरिएंट डेबिट कार्ड लेते हैं तो ये सारे जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ्री वाला डेबिट कार्ड जो है वो चाहिए, हम जीरो बैलेंस पे अकाउंट रखेंगे, तो अकाउंट खोलने का भी तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उसका कोई यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, उसमें आपको जो फायदे हैं वो ना मिले। तो अगर आप जो है 10,000 रुपीज अपने अकाउंट में मेंटेन कर पाते हैं, जो कि आसानी से आज के टाइम में हम लोग अगर देखें तो सारे बैंक कम से कम मिनिमम उतना रखवाते ही हैं, तो वो हम जो है वो रख सकते हैं यहाँ पर। 500 रुपये आपको जो है डेबिट कार्ड का चार्जेस पे करना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में कि भैया रिवॉर्ड पॉइंट का जो है वो क्या सिस्टम है, किस तरीके से आपको डेबिट कार्ड पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो मिलेंगे। तो मैं आपको जो है कुछ बताता हूँ, मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर जो है 200 रुपए की सिंपल स्पेंडिंग कर रहे हैं तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा। उसी तरीके से मंथली आपकी 5,000 रुपए तक की जो है वो स्पेंडिंग होती है थ्रू डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको 200 रुपए पर जो है वो 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 5,001 रुपए से लेकर के 10,000 तक स्पेंड करते हैं तो 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। 10,001 से जो है वो आप 20,000 रुपए तक स्पेंड करते हैं तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। 20,000 रुपए से लेकर के 40,000 तक करते हैं तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे पर 200 रुपीज में, आप यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और वहीं अगर आप जो है 40,001 रुपए से अबव जो है वो स्पेंड करते हैं थ्रू योर डेबिट कार्ड तो यहाँ पर 6 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको मिलते हैं।
पर 200 रुपीज़ की स्पेंडिंग पर। अब अगर आप लोग जो है वही, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भैया आप और बेनिफिट्स भी जो है वो देख रहे हैं कि आपको लोन की फैसिलिटी जो है वो मिल जाए फ्यूचर में, क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो है प्री अप्रूव्ड का या प्री एलिजिबल का जो ऑफर है वो बैंक की तरफ से आ जाए, आप अप्लाई करें, वहाँ पर जो है अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों, एलिजिबिलिटी जो है वहाँ पर बन जाए, तो ये जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है। आप ओपन कर सकते हैं, इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो ऑफर्स हैं वो बहुत जल्दी तो आपको नहीं मिल पाएंगे, भाई 1-2 महीने में बैंक जो है वो दे देगा। आप मेंटेन करके रखते हैं तो 2-3 क्वार्टर के बाद में आपको जो ऑफर्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि भैया एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप अकाउंट जो है वो ओपन करना चाहते हैं तो किन किन चीजों का जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो घर बैठे ही ये जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास में कुछ जो मैंडेट रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास में जो है वो एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर पर जो है वेरिफिकेशन ओटीपी आता है तो वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर पाए। दूसरा यहाँ पर आपके पास में फिजिकल कॉपी जो है वो होनी चाहिए अपने पैन कार्ड की, भैया पैन कार्ड जो है वो आपको शो करना पड़ता है, पैन कार्ड आपको जो है वहां पर सबमिट करना पड़ता है फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन, वो मैंडेट है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो आपके पास में होने चाहिए, दोनों के दोनों जो है वो वैलिड होने चाहिए। तीसरा यहां पर आपके पास एक ऐसा मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है होना चाहिए जिसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा हो, जब आप यहां पर केवाईसी वेरिफिकेशन करा रहे हो, वीडियो वेरिफिकेशन जो है वो आपकी होगी, वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन, तो वो आप आसानी से यहां पर करा पाए। अगर आपको जो है वो अपना सबमिट करना है, फोटो सबमिट करना है फ्रंट फेसिंग का, या जो है बात करनी है रिप्रेजेंटेटिव से, तो आसानी से उसके जरिए आप कर पाए। तो ये तीन जो है वो मैंडेट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो भी पर्सन ये अकाउंट ओपन करना चाह रहा है भैया, कम से कम जो है वो 18 साल का तो यहाँ पर हो, 18 साल से अबव की उसकी एज हो, ताकि वो माइनर अकाउंट में जो है वो ना जाए, क्योंकि 18 साल से कम के जितने भी लोग होते हैं वो माइनर में जाते हैं, तो वहां पर माइनर अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ये वो अकाउंट जो है ओपन नहीं कर पाएंगे। तो अगेन जैसा मैं आपको जो है ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ कि अगर आप देख रहे हैं एक रिलेशनशिप के लिए कि भाई 0 बैलेंस पर मेरा जो है वो अकाउंट भी मेंटेन होता रहे, मुझे अच्छे खासे जो बेनिफिट है वो भी मिल जाए, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि भैया 10,000 जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करके रखना है। अगर वो 10,000 रुपये जो है वो आपको कम भी चला जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी जो है वो यहाँ पर आपको नहीं है, बट आप मेंटेन करके रखते हो तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है और जो अदर बेनिफिट है वो भी आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिलाइट सेविंग अकाउंट के साथ में आप जा सकते हैं, ओपन करना चाहते हैं लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।